ऋषियों ने कहा कि हमें प्रतिदिन पंचमहायज्ञ तो करना ही करना है। पंचमहायज्ञ में एक को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, यानी कि आपको 24 घंटों में से कुछ घंटे ऐसे जरूर निकालना है कि आप ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करें, ईश्वर और अपने संबंध के बीच में आप साक्षी बने, ईश्वर और स्वयं के बीच का जो संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, उस संबंध को याद करें, उसे सुमिरन करें, उसे सुमिरे। संभव है तो ऐसे 24 घंटे ही आपको इस भाव में जीना है, लेकिन यदि आप 24 घंटे जी भी ना पा रहे हो, लेकिन कुछ समय तो आपको ऐसे निकालने ही निकालने हैं। 24 घंटों में से जब आप उस परम पिता परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करें, उसके और अपने बीच के संबंध को जाने, उसका स्मरण करें, उसके पास बैठें, सदा व्यक्ति पदार्थों की ओर भाग रहा होता है, पदार्थ से तात्पर्य मेरा यहां पर भौतिक पदार्थ से भाग रहा होता है, लेकिन ऋषियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को भौतिक पदार्थों की ओर भागने से रोक भी ना पा रहे हो तो भी कुछ समय आपको चेतन पदार्थों की ओर जाना है, कुछ समय आपको चेतन पदार्थों की ओर लौटना है, उनके साथ बैठना है, जिसे उपासना कहते हैं, ईश्वर की आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा करनी है, इसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ऋषियों ने दो संध्या काल में इस ब्रह्म यज्ञ को करने का विधान किया है, दो संध्या काल, एक प्रातः और एक साय। प्रातः सूर्योदय जैसे होने लग रहा होता है उस समय संधि कहते हैं दो को जोड़ने को, और जब अंधेरे से हम उजाले की ओर जा रहे हैं, सूर्य एकदम प्रकट हो रहा है, सूर्य उदित होने जा रहा है, यानी कि सूर्य दिखाई देने लग रहा है। वैसे तो मित्रों सूर्य न तो कभी उदित होता है न कभी अस्त होता है, सूर्य तो सदा एक जैसा ही रहता है, बस कभी दिखाई पड़ता है कभी दिखाई नहीं पड़ता, वो भी किसके कारण, पृथ्वी के कारण, पृथ्वी निरंतर परिक्रमा कर रही है, निरंतर घूम रही है, इसके कारण कभी कभी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक साइड में पड़ रहा होता है तो कभी अलग साइड में। खैर मैं ये कह रहा था कि जब सूर्य प्रकट होने वाला होता है उस समय आपको संध्या करनी है, उस समय आपको ब्रह्म यज्ञ करना है, और सायंकाल जैसे ही सूरज डूबने को होता है, जैसे ही सूरज छुपने को होता है, जैसे ही उसके घूंघट उतरने लगता है, उस समय भी हमें ब्रह्म यज्ञ करना है। साइंटिफिकली भी ये दो समय ऐसे है जिस समय व्यक्ति का जो है सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, योग की भाषा में कहूं तो जो राइट नॉस्ट्रिल से जो स्वर प्रवाहित हो रहा होता है उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं नासापुट से जो स्वर प्रवाहित हो रहा होता है उसको बोलते हैं ईडा नाड़ी। नाड़ी का अर्थ यहां पर प्रवाह है, और जो बीचों में जो नाड़ी प्रवाहित हो रही होती है, जो नाड़ी चल रही होती है, जो स्वर चल रहा होता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि जब दोनों स्वर चल रहे हो उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना, उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर का चलना। और योग परंपरा में यह बात अत्यंत प्रचलन में है कि हमें साधना के लिए सर्वाधिक उचित समय वही है जब सुषुम्ना चल रही होती है। और मित्रों गजब की बात यह है कि संध्या के समय में आप पाएंगे कि आपके दोनों स्वर चल रहे होंगे, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होंगी,
इसलिए ऋषियों ने क्या कहा कि आपको संध्या के समय में ब्रह्म यज्ञ करना है, इसलिए उस यज्ञ का नाम ही दूसरा पड़ा हुआ है संध्या, आपको संध्या करनी है, संध्या करनी है। वैसे तो महर्षि दयानंद कहते हैं आपको प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे तो ईश्वर का ही चिंतन करना ही करना है, लेकिन यदि आप वो भी नहीं कर पाते हो तब भी संध्या को कभी छोड़ना नहीं, दोनों समय संध्या अवश्य करना है, यानी कि ब्रह्म यज्ञ करना है, ईश्वर का सुमिरण करना है, ईश्वर को याद करना है, उसकी कृपा का अनुभव करना है, उसके साथ में जो हमारा डोर जुड़ा हुआ है उसे जानना है, उसके नजारा को देखना है। साधक साधिकाएं तो सदा यही भजन गाते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, सदा मुझे प्रभु तेरा ही आसरा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। साधक साधिकाएं तो सदा यही कामना करते हैं, सदा उनके मन में यही भावना बनी रहती है। तो ऋषि ने क्या कहा कि कम से कम आपको ब्रह्म यज्ञ करना ही करना है, क्योंकि उस समय सुषुम्न नाड़ी चल रही होती है, और साइंटिफिकली भी ये कहा गया कि वह समय है जिसमें एकदम हाई बीपी वाले जो होते हैं उनके भी जनरली अपवाद को छोड़ करके उनका बीपी भी नॉर्मल होता है। उस समय हमारे पूरा शरीर एकदम ठीक अवस्था में आ रहा होता है, सामान्यतया उस समय शरीर के सारे फंक्शन ठीक हो रहे होते हैं। उस समय मन की जो वृत्तियां हैं वह भी शांत होती है। वैसे तो जब भी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है उस समय मन की वृत्तियां शांत होने लगती है। आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे कि कई बार मन एकदम शांत हो जाता है, अकारण ही आनंद उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तो मेरे मित्रों, ऋषियों ने यही कहा कि आपको सुबह की संध्या काल में और रात्रि के संध्या काल में ब्रह्म यज्ञ करना है।